नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज की जो कहानी है इस तरह से घटित हुई है कि जो भी सुनेगा उसके रूह तक कांप जाएगी। और आज की कहानी में मैं आप लोगों को कहां पर घटित हुई है एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं बताऊँगी। बस आप ये जान लो कि आज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में घटित कहानी है। तो आज की भूतिया घटना एक मुखिया के घर पे घटित हुई है। जो मुखिया थे उनके बड़े भाई की मात्र एक बेटी थी और वो भी बेटी बहुत दिनों बाद पैदा हुई थी। यानी कि उनके बड़े भाई के बहुत सारे बच्चे खराब हुए, बच्चे तो हो रहे थे नॉर्मल, कुछ कुछ दिन रह के फिर दुनिया छोड़ दे रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद से मुखिया के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम घर वालों ने फूलन देवी रख दिया। वैसे उनका नाम प्रज्ञा था बट लोग प्यार से फूलन देवी कहते थे। लोगों का मानना था कि यह नाम जो है ना अजीब तरह का है, तो इससे क्या होगा कि इस बच्ची को कुछ भी नहीं होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो फूलन देवी थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई और पढ़ने लिखने में भी सही थी। फिर घर वालों को टेंशन हुआ कि जो फूलन देवी है उसकी शादी किससे कराया जाए, मतलब स्टैंडर्ड का भी लड़का मिलना चाहिए ना। तो घर वालों ने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर फूलन देवी अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। जो फूलन देवी का बॉयफ्रेंड था वह था एक छोटे कास्ट का लड़का और फूलन देवी ऊंचे कास्ट की लड़की थी। सो यहाँ पर इन दोनों की शादी हो पाना इम्पॉसिबल था। फूलन देवी ने अपने माँ को बोला तो माँ और चाची दोनों लोगों ने फूलन देवी को बहुत समझाया, बोला कि नहीं तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती क्योंकि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। सोचो चाचा मुखिया है तो चाचा को जब पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे, वे तो करने ही नहीं देंगे। तुम थोड़ा डरो, उस लड़के को लेके डरो, चाचा कहीं कुछ कर बैठे उस लड़के के साथ फिर तो बहुत बदनामी हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। मतलब घर वालों ने बहुत समझाया फूलन देवी को, फिर भी फूलन देवी मानने के लिए तैयार नहीं। फिर फूलन देवी की माँ ने अपने पति को बोला कि जो बिटिया है, बिटिया को प्यार हो गया है एक लड़के से और वो हमारे बराबरी का नहीं है। तो फूलन देवी के फादर ने फूलन देवी को बुलाया, समझाया। यहाँ पर फूलन देवी रोने लगी और बोली कि अगर वह लड़का मुझे नहीं मिला तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी। फिर यह बात सुनकर और फूलन देवी को सीरियस में देखकर चाची, माँ, पापा तीनों लोग मान गए। और मानने के बाद से घर वालों ने फैसला किया कि चाचा को यानी मुखिया को बताया जाएगा। तो यहाँ पर चाचा को पता चला कि फूलन देवी जो है प्यार में है और ऐसा ऐसा कहानी है। तो चाचा भड़क गए और उन्होंने बोला कि नहीं, कभी नहीं हो सकता, तुम मेरे बारे में सोचो, मेरी कितनी इज्जत है, कितनी बदनामी होगी, तुम्हारी वजह से हम क्या क्या बर्दाश्त करेंगे, हम हार जाएंगे इलेक्शन में, ये होगा वो होगा। चाचा ने मना कर दिया और चाचा जो बोलते थे फूलन देवी के घर में वही होता था। यानी गांव के मुखिया तो थे ही, घर के भी मुखिया थे। यहाँ पर घर वाले चुप हो गए और उन्होंने बोला कि फूलन देवी को हम समझाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, वो जहाँ आप बोलोगे वहीं पे शादी करेगी। लेकिन फूलन देवी फिर भी नहीं मानी। फिर फूलन देवी ने प्लान बनाया कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड गांव छोड़कर हम लोग भाग जाते हैं और शहर में जाकर शादी करेंगे क्योंकि उस लड़की के बिना तो मैं रह नहीं सकती। यह बात चाचा को पता चल गई तो चाचा ने क्या किया कि फूलन देवी को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद से फूलन देवी 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस कमरे में रही, फिर भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। उसने ठान के रखा था जीऊँगी तो उसके लिए और दुनिया छोड़ूंगी तो भी उसी के लिए। यहाँ पर सारे लोग थक गए थे फूलन देवी को मना मना कर, फिर भी ये लड़की थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। फूलन देवी जब नहीं मानी तो फूलन देवी के जो चाचा थे उन्होंने गुस्सा में फूलन देवी को पकड़ा, बांधा, हाथ पैर वगैरह बांध दिया, मुंह बांध दिया और फूलन देवी के गले में एक बहुत भारी पत्थर
जो होता है ना गांव में चक्री वगैरह ऐसे चलाते हैं, वो वाला चक्री लिया और उसकी गले में लटका दिया, और लटका कर अपने घर के बगल वाला जो तालाब था, हर गांव में तालाब तो होता ही होता है, वहां पर उन्होंने धीरे से आधी रात को उस लड़की को तालाब में डाल दिया। जो फूलन देवी थी बहुत तड़पी, बहुत छटपटाई, घर वाले भी छटपटा रहे थे कि मेरी इकलौती बेटी है, छोड़ दो छोड़ दो। फिर भी यहाँ पर जो मुखिया था वो मानने के लिए तैयार नहीं। मुखिया चुपचाप देखता रहा और फूलन देवी तड़पती रही। वजन इतना ज़्यादा था मतलब फूलन देवी के बॉडी में कि फूलन देवी उस भारी पत्थर को लेकर पानी के नीचे बैठ गई और कुछ ही समय बाद दुनिया छोड़ दी। बाद में होना क्या था, मुखिया तो थे ही, गांव में किसी ने हिम्मत नहीं किया मुंह खोलने के लिए, पुलिस वगैरह कुछ आई नहीं, जितना भी मामला था सब सलट गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 महीने के बाद से फूलन देवी का एक छोटा भाई था, यानी चाचा का लड़का था, वह भी 10-12 साल का बच्चा था, वह एक दिन अचानक से बीमार पड़ गया। लोगों को समझ नहीं आया कि उसको क्या हुआ है, उसको हाई फीवर हो गया, बड़बड़ाने लगा। फिर चाचा ने डॉक्टर को दिखाया और जो घर में लोग थे उन लोगों ने पंडित वगैरह को दिखाया, मंदिर वगैरह लेके गए, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो बच्चा था उसका ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फूलन देवी की जो चाची थी वह अपने बेटे को देख रही थी और रो रही थी, उनको डर था कि बेटा कहीं उठ ना जाए, रोते हुए चिल्लाते हुए वह बैठकर अपने बच्चे को देख रही थी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो बेटा है उसका हाथ और पैर मुड़ रहा है, और जब ऐसे हाथ पैर मुड़ रहा है ना तो उस पर निशान पड़ते जा रहे हैं, और बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा है, कराह रहा है, और जो पैर था ना वो भी मुड़ रहा था। जब उन्होंने इस चीज को देखा तो वह डर गई और लगी चिल्लाने, पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो, क्या है, तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर फूलन देवी की चाची को समझ आ गया था कि कोई ऊपरवार हवा है जो मेरे बेटे को टच कर रहा है और उसकी वजह से यह हो रहा है, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा तेज तरार समझदार होते हैं। वह पूरी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे बेटे के बॉडी में कुछ तो समस्या है। वह लगी चिल्लाने रोने और हाथ जोड़कर घुटनों पर आ गई और बोली कि तुम मुझे मार लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे घर का इकलौता चिराग है, इसी की वजह से हमारा खानदान चलेगा, कुछ भी नहीं है, तुम मुझे ले लो लेकिन इसे छोड़ दो। यह बोलने के बावजूद भी जो हवा थी उसने क्या किया कि उस बच्चे का गला एक ही बार में मोड़ दिया और उसके बाद से खेल ख़त्म। यहाँ पर यह चीज़ देखकर चाची जो थी ना वो बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं, घर वाले इकट्ठा हो गए हैं और सारे लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं उस बच्चे के लिए, और इनके अंदर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इनको सदमा लग गया था। चाची इन लोगों को बोलती थी कि मेरे बेटे को किसी ऊपरवार हवा ने मारा है, ऐसा है वैसा है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इकलौता बच्चा था, दुनिया छोड़ दिया, तो इनको ना सदमा लगा है, तो ये ऐसे बकवासें कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद से चाची भी अचानक से एक दिन पैरालिसिस हो गई, पता नहीं कैसे उनका जो हाथ पैर मुंह था सब घूम गया। जो मुखिया थे उन्होंने अपनी वाइफ को डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर बोला कि इनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, वह बेड पकड़ ली। अब घर में बच गए चाचा और जो फूलन देवी की माँ और पापा थे। फूलन देवी के जो चाचा थे उनको भूत प्रेत वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वह बोलते थे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है। गांव के बुजुर्ग लोग बोलते थे कि तुम अपने घर में हवन कराओ, पूजा कराओ, तो चाचा मना कर देते थे, बोलते थे कि ये सब कुछ नहीं होता है, जो किस्मत में लिखा था वह हो चुका है, अब आप लोग शांति बनाए रखिए। चाची के बीमार पड़ने के 2 महीने बाद चाचा कहीं जा रहे थे गाड़ी से, उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और चाचा वहीं पर दम तोड़ दिए। जब यह न्यूज घर पे आई तो फूलन देवी की माँ रोने लगी, फूलन देवी की पापा वो भी रोने लगे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि किसी की नज़र लग गई है, जो हमारे घर के एक एक मेंबर खत्म होते जा रहे हैं। फिर बॉडी को घर लाया गया और उसके बाद से जो भी क्रियाक्रम होता है वह हुआ। यहाँ पर फूलन देवी की माँ ने गाँव के बुजुर्ग लोगों की बातें मानी
और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और अपना घर दिखवाया। जब तांत्रिक घर पे आया और घर को देखा, घर में जो भी मंत्र वगैरह होता है उसने पढ़ा, तो उसने बताया कि हाँ, आपके घर में एक बुरी आत्मा का साया है और वह बुरी आत्मा कोई और नहीं, आपकी खुद की बेटी है और वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है। क्या हुआ है उसके साथ? यहाँ पर फूलन देवी की माँ रोती हुए बोली कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है और इस बात को सारे लोगों ने दबा दिया था, छाप लिया था, तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर तांत्रिक ने बताया कि हाँ, बस वही है, बदला लेने के लिए वह लड़की कर रही है, उसकी जो आत्मा है अभी भी शांत नहीं हुई है, वह इस घर के हर एक इंसान से बदला लेना चाहती है, वह चाहती है कि सारे लोग दुनिया छोड़ दे, तब जाकर वह शांत होगी, बट ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपके घर परिवार ने दो लोगों को खो दिया है, बस इतना ही काफ़ी है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे मैं हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। तांत्रिक ने क्या किया कि पूरे घर को बांधा और उस तालाब के पास जाकर तालाब के अंदर से जो आत्मा थी ना, तालाब में हमेशा रहती थी क्योंकि तालाब में ही उसका दम टूटा था, वहाँ से उस आत्मा को निकाला और तालाब के पास एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के साथ मतलब पेड़ के नीचे जड़ में उस आत्मा को डालकर बांध दिया। ऐसा बांधा कि उस दिन के बाद से वह आत्मा कभी भी आजाद नहीं हो पाई। यहाँ पर फूलन देवी की जो चाची थी, कुछ सालों में वह ठीक हो गई और ठीक होने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से फूलन देवी को देखा था और जब मैंने फूलन देवी को देखा, उसको बोला कि तुम माफ़ कर दो, मेरे बेटे को जाने दो, छोड़ दो, फिर भी वह लड़की नहीं मानी और ऐसा ऐसा कर गई। आप लोग को विश्वास नहीं था ना, आज मेरा जो पति है वो भी नहीं रहा और जो मेरा बेटा है वो भी नहीं रहा। गलती किसने किया और सजा किसने भुगता? मेरे पति ने गलती किया, पति को मारती तो हमें समझ आता, उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? यह बोल बोल के वह आज भी रोती हैं और यह जो घटना है बहुत दिनों पहले की नहीं है, बस कुछ साल पहले की बात है। जब मैं छोटी थी और अपने मौसी के गांव में गई थी ना, तब मैंने इसके बारे में सुना था और ये तभी की घटना है। यह जो घटना है ना, उस समय मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे जब मैंने सुना था। मैंने सोचा कि हद है यार, ऐसा भी होता है क्या? तो आप लोग बताइए, आप लोग का क्या कहना है इस कहानी के ऊपर? आज की जो घटना है ना, सचमुच में घटित घटना है। और आज की कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।